क्या वैनम अभी भी जिंदा है? और अगर जिंदा है तो कैसे? हमने तो वैनम 3 में उसको जिंदा मरते हुए देखा है, और क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी वो आएगा? तो वैनम के मेकर्स ने ये बात पहले ही कंफर्म कर दी थी कि जो वैनम 3 मूवी है वो वैनम की एक लास्ट सोलो मूवी होने वाली है। इसके बाद उसकी कोई भी सोलो मूवी नहीं आएगी, मगर वैनम अलग अलग प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। मगर कैसे? वैनम 3 में तो उसकी डेथ हो गई है। और अगर आपके अंदर अभी भी उम्मीद है कि वैनम जिंदा है तो कुत्ता पाल लेना, मगर वहम मत पालना, क्योंकि जिस वैनम को अभी तक हमने देखा है वो ऑफिशियली तरीके से मर चुका है। लेकिन वैनम ने जगह जगह जाकर अपनी निशानी छोड़ दी है, जैसे कि नो वे होम के लास्ट में वैनम ने अपना एक सैंपल छोड़ दिया था। और जब वैनम अपने यूनिवर्स में आता है तो उसी बार टेंडर के बार में अपनी निशानी को फिर से छोड़ देता है, जिसको ये मिलिट्री वाले पकड़ कर अपने साथ लेकर जाते हैं। एंड वैनम 3 के लास्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वो वैनम का टुकड़ा दिखाया जाता है जिसमें वैनम का सैंपल पड़े रहता है। और भी वैनम ने कई कई जगह अपनी निशानी को छोड़ा होगा, तो जो एमसीयू में सिम्बायोट का टुकड़ा है वो तो फ्यूचर में जाके हो सकता है कि स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड हो जाए, और जो सोनी की यूनिवर्स में टुकड़ा बचा हुआ है वो जाकर वापस में फ्यूचर में एडी के साथ बॉन्ड हो जब नल धरती पर आए। लेकिन तुम यही सोच रहे हो कि इससे हमारा पुराना वाला वैनम थोड़ी ना वापस आ जाएगा? हाँ, पुराना वाला वापस नहीं आएगा, लेकिन सारे ही वैनम हाइप माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, तो जो हमारा जो पुराना वाला वैनम था उसकी जितनी भी यादें थी वो इस वैनम के पास रहेगी। और अगर मार्वल वाले नल वाले स्टोरी को ही कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की 3 मूवी आने वाली है जिसका मेन विलन नल ही होता है, तो यही वाली स्टोरी कंटिन्यू होगी। और तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेकर्स लोग सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को इतना जल्दी नहीं छोड़ते। जब स्पाइडरमैन अकेला इतना प्रॉफिट देता है और वैनम भी प्रॉफिट देता है, तो जब दोनों साथ मर आएंगे तो कितना प्रॉफिट जनरेट करेंगे? और फ्यूचर में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस वैनम देखने को मिलेगा या फिर स्पाइडरमैन के साथ वैनम देखने को मिले, हमें फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छी सी स्टोरी चाहिए जिसमें नल आके सबकी फाड़ के जाए। और ये थी मेरी थ्योरी कि आखिर वैनम कैसे जिंदा हो सकता है। अगर आपके पास भी कोई खुफिया जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब मार के भी जाए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो एंड स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो देख रही होगी, उसमें से किसी पर भी जा सकते हो। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 मूवीज।